Hey, hello friends, welcome back to the channel guys and welcome to Mommy J's World again. So guys, ये vlog है 29th of August का. That was on Sunday. मैंने post किया था stories पे, मेरी बहुत सारी जगह पे social media पे मैंने post किया था. Like I was out at that time, पर मैंने बताया नहीं था कि where I am exactly. पर बता अभी तक आपको finally चल गया होगा कि what was that special occasion. Guys, ये star fruit है, वो जो मैंने आपको दिखाया था जन्माष्टमी वाले vlog में. तो ये मैंने cut किया था, इस पे salt और थोड़ी सी ये red chili powder और चाट मसाला sprinkle किया था मैंने. तो ये जिस आपसे इसे share करना चाह रही थी क्योंकि सबको नहीं पता है कैसे होता है. तो ये कट करने के बाद इसे स्टार जैसे दिखता है. चलिए फटाफट लंच बनाते हैं क्योंकि हम लंच करके जाने वाले हैं. तो एक क्विक सी रेसिपी आपको दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, जो बहुत ही यम्मी होती है, मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट्स. तो चलिए बताती हूँ. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डीप वॉक में पनीर ऑयल एड किया था थोड़ा सा, और उसमें पनीर एड किया है क्यूब्स करके, आप लंबे लंबे भी काट सकते हो. फिर मैंने उसमें हल्दी, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अब थोड़ा सा गर्म मसाला और सॉल्ट एड करके हल्का सा सॉटे कर लेंगे एंड देन मैं उसे निकालूंगी. ये चाहो तो आप स्टेप अवॉइड कर सकते हो, बट इससे फ्लेवर थोड़ा सा और एनहांस होता है पनीर का. पनीर एकदम ब्लैंड नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये मैं करती हूँ. तो जस्ट मैंने उसे निकाल के रख दिया है साइड में पनीर को, और सेम बर्तन में मैंने और थोड़ा सा ऑयल ले लिया. आप ऑयल और बटर दोनों ले सकते हो यहाँ पर, और उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और एक ड्राइड रेड चिली को तोड़ के ऐड किया है. यहाँ रेड चिली और जीरा जो है हमारा तड़के का, हमें इसमें अनियंस ऐड कर देने हैं, लंबे लंबे काटे हैं मैंने जूलियंस, और मैंने हल्का सा ना ग्रेटेड जिंजर ऐड किया है. आप जूलियंस उसके भी ऐड कर सकते हो, यानी कि लंबे लंबे काट कर बारीक, बट मुझे जिंजर पर्सनली पसंद नहीं, इसलिए मैंने हल्का सा वो कैप्चर नहीं कर पाई. यहाँ पे हल्का सा ग्रेट करके ऐड किया था. तो बस उसे आप सॉटे करिए, थोड़ा सा आपका अनियन जो थोड़ा सा हल्का सा कुक हो जाएगा. फिर आप इसमें लंबे लंबे टमेटोज काट के जो हमने रखे वो ऐड करिए, कैरेट्स ऐड करिए, जिन सब्जियों को ज्यादा टाइम लगता है कुक होने के लिए वो पहले ऐड करिए, और फिर कैप्सिकम, और फिर इसे हम सॉटे कर लेंगे. थोड़ा सा नमक ऐड करना मत भूलिए, सॉटे कर लीजिए और थोड़ी सी सब्जियां जो कुक होने दीजिए. तो इसमें आप फिर अपने ड्राई मसाले जो है वो भी मिनिमल है, आप हल्दी ऐड कर लीजिए, रेड चिली पाउडर, आपको जो भी ऐड करनी है, अगर कलर वाली ऐड करनी है आप कलर वाली ऐड करिए, अगर आपको देगी मिर्च जो भी आपके घर की पाउडर है वो ऐड करिए. मैं दोनों ऐड करना प्रेफर करती हूँ. और जो है गरम मसाला ऐड किया है मैंने, मैं अब थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, वो तो सिर्फ सब्जियों के लिए था तो वो मैं ऐड कर रही हूँ. तो और ये पनीर मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है इसमें, सारी सब्जियां भुनने के बाद, ड्राई मसालों के बाद. देखा, अब मैंने यहाँ पे विनेगर ऐड किया है, तो एक टेबल स्पून के करीब इसमें विनेगर जाएगा, तो विनेगर भी ऐड करना मत भूल. तो ये पनीर ऐड करके आप इसे मिक्स करिए, फिर आप इसमें विनेगर ऐड करिए एक टेबल स्पून के करीब, और फिर आप इसे और 2 से 3 मिनट कुक होने दीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे. इसे आपको पूरी रेसिपी को मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही कुक करना है. एंड फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दीजिए, और आप चाहो तो कसूरी मेथी भी क्रश करके अभी लास्ट में ऐड कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल. एंड पनीर जाल फ्रीजी इज डन गाइस. ये बहुत यमी होती है और ये वन ऑफ माई फेवरेट्स है, और ये बहुत ही क्विक भी बन जाती है. एंड गाइस, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट, थोड़ा सा गर्मी भी थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी छाछ बना लूं. तो ये मैं मसाला छाछ बना रही हूँ. तो ये घर का बना हुआ दही है, इसमें मैंने भुना हुआ जीरा ऐड किया है, पाउडर भी ऐड कर सकते हो भुने हुए जीरे की. फिलहाल मेरे पास खत्म था तो मैंने सॉटे करके ऐड किया है, और नमक, ग्रीन चिली और कोरिएंडर ऐड किए. आपके पास मिंट है तो आप वो भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हो. और फिर मैं इसे मिक्सी में चर्न कर रही हूँ अच्छी तरह से, जब तक ये सारा कुछ ब्लेंड नहीं हो जाता. तो ये मसाला छाछ मैंने बना ली है. अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा, आप पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो. मुझे थोड़ी सी कोरिएंडर खड़ी खड़ी पसंद है इसीलिए मैंने ऐसे रखी है, आप चाहो तो पूरी अच्छी से ब्लेंड कर सकते हो, तो इसीलिए मैं बाद में ऐड करती हूँ, आप एक साथ पहले भी ऐड कर सकते हो. तो अब मैं इसे पोर कर लूंगी और फिर हम हमारा जो है लंच है वो सर्व कर लेंगे. इसे मैंने जो है फुलकों के साथ सर्व किया है गाइस. तो ये मैंने फुलके बनाए थे, ये मसाला छाछ है, हमारी पनीर जाल फ्रेजी, और ये क्यूकम्बर थी घर पे तो वो मैंने कट करके रेड चिली पाउडर और चाट मसाला और सॉल्ट ऐड करके सर्व की है. तो अर लंच इज रेडी, तो हम फटाफट लंच करते हैं. ये मेरी प्लेट है, ऑलरेडी लंच बार सर्व हो चुका है, ये मेरी प्लेट है. तो हम जल्दी जल्दी लंच करते हैं, और ये मेरा यूट्यूबर का एक्स्ट्रा काम, क्योंकि मुझे थोड़ा डेटा ट्रांसफर करना है जाने से पहले, बिकॉज आई वॉन्ट माई फोन टू बी एम्प्टी, तो अदरवाइज मैं कैप्चर करना मेरे लिए लिमिटेड हो जाएगा, इसीलिए तो बस वही कर रही हूँ. तो ये करके अब हम निकलेंगे. पर हम कहाँ गए थे ये अभी तक किसी को नहीं पता, सो लेट मी टेक यू अलोंग कि हम कहाँ गए थे गाइस.
तो हियर वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड एवरीथिंग, और फिर हम निकले थे दोपहर में, मिड आफ्टरनून में, बिकॉज वी वर नॉट श्योर कि कहाँ क्या स्टेटस है बाहर, बिकॉज एवरीथिंग इज यू नो मॉल्स वगैरह भी अभी तक पूरी तरह से नॉट ओपन फॉर एवरीबॉडी, लाइक ओनली पीपल हु आर फुली वैक्सीनेटेड कैन डू इट, विच इज द बेस्ट थिंग. दैट वॉज लाइक एन अगेन एन इशू के मतलब हम वहां तो नहीं जा सकते थे, तो ऐसे वक्त पे हम कहाँ गए थे शॉपिंग. दैट इज मॉमी ब्रेन, यू नो माई ब्रेन, मेरा ब्रेन ऐसे टाइम पे डबल स्पीड से दौड़ता है. तो आई जस्ट, मुझे तो ऑब्वियसली इट्स आरब्स बर्थडे, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही था, एंड आई डिडंट वांट टू बाय इट ऑनलाइन दिस टाइम अगेन. तो जबकि थोड़े बहुत ऑप्शंस थे ना अवेलेबल, इसीलिए आई डिडंट वांट टू बाय इट ऑनलाइन, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन बाय किया था विच वॉज गुड, H&M से मैंने खरीदे थे, मैंने आपको तभी भी बताया था. तो फिर मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला था कि यहाँ पे शायद स्टोर्स ओपन है, तो आई थॉट कम ऑन लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो लेकिन उससे पहले भी हम एक जगह गए थे और पर फिर मैंने वो कैप्चर नहीं किया था क्योंकि वहां पे हमारा काम नहीं बना, बिकॉज वहां पे किड्स वेयर नहीं. ओके, तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी जब वहां पे जाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि मैं तब यहां गई थी आरब के बर्थडे पे, तो अभी मैंने वो पार्ट कैप्चर नहीं किया, तो उसे रहने देते हैं. तो यहां हम आ गए हैं, आप जैसे देख सकते हो, सो वी आर एट ज़ारा, एंड ज़ारा का ये इंडिविजुअल आउटलेट है, तो इसीलिए वी कुड विजिट हियर, अदरवाइज मॉल्स में जैसे मैंने बताया जा तो नहीं सकते. तो वी वर लकी इनफ कि वी गॉट एवरीथिंग एट वन स्टॉप, अदरवाइज यहाँ पे वेस्ट साइड भी है नियर बाय, तो वी आर प्लानिंग टू गो टू द वेस्ट साइड. तो एड्रेस जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो वी आर बेसिकली इन फोर्ट एरिया, और यहाँ पे ये जो ज़ारा का स्टोर है, तो वी विजिटेड दैट एंड वी गॉट एवरीथिंग. आई वाज सो 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 हैप्पी विथ माय परचेसेस. तो आपको एक स्नीक पिक देती हूँ, यहाँ पे आई थिंक ना फोर स्टोरे था गाइज, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नाउ, ग्राउंड एंड फर्स्ट, जैसे कि हम वुमेन्स को ज्यादा स्पेस चाहिए होती है हमेशा, तो ग्राउंड एंड फर्स्ट इज ऑल वुमेन्स, एंड देन सेकेंड इट्स किड्स, थर्ड इट्स मेन्स, एंड फोर्थ इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ चल रहा था. एंड इट्स ह्यूज स्टोर, ओके, एटलीस्ट मॉल्स में लिमिटेड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बट यहाँ पे मेनी ऑप्शंस, यू गेट सो मेनी ऑप्शंस हियर, सो दैट्स व्हाई वी वर हियर. एंड सुपर्ब, यू नो किड्स एंड H&M एंड ज़ारा आर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू किड्स क्लोथ, ऑल्दो दे आर बिट प्राइसी, कुछ ऑफ पे नहीं था, एवरीथिंग व्हाट वी बॉट वाज ऑन MRP लाइक देन, बट वी वर हैप्पी विद द परचेसेस. अभी आपने आरफ का बर्थडे हो गया तो उसकी आउटफिट देख ली, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या पिक किया है. उसके अलावा भी मैंने एक्चुअली भी पिक्ड अप टू पेयर और एक एक्स्ट्रा टी शर्ट ले लिया था उसके लिए, तो ऐसे हमने लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था अगेन, बिकॉज अगेन दे आर ग्रोइंग एंड फिर बाहर जाना अब हो नहीं रहा, तो दैट्स वाई जस्ट वी थॉट ऑफ लाइक अगेन कमिंग लेटर व्हेन देर इज एनी स्पेशल ओकेजन. अभी फिलहाल हमने बस उसके लिए 3 t-shirts एंड यानी 2 hoodie लिए थे, 1 t-shirt लिया था एंड 2 pants भी बॉर्न. Yeah, actually wanted to go for shoes also, but then we did not because again we are not going anywhere out. और फिर वो रखे रखे छोटे, he is going to grow and वो छोटे पड़ जाएंगे बाद में. So we told him, those are from H&M जो already उसके पास है, and this is what he wears on regular basis. उसे crocs पसंद है तो he wears crocs, and otherwise H&M के भी 2 pair उसके ऐसे ही पड़े और जो अभी छोटे हो रहे हैं. But then आरफ की शॉपिंग हो गई थी and we were very happy. तो ये देखिए उसकी स्माइल, तो ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट ही गॉट व्हाट ही आल्सो वांटेड, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, तो वो बहुत खुश था. एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम हियर और फिर हमें भूख लगी थी, इट वाज इवनिंग टाइम, शॉपिंग हो गई है. हाउ आर यू फीलिंग? नाइस, व्हाट नाइस, एक्साइटेड फॉर बर्थडे? यस, ऑफ कोर्स.
एंड फिर हम वहाँ पे वो जो वहाँ पे एक स्क्वायर है कॉर्नर पे, वहाँ पे हम रुके थे। तो फिर वहाँ पे वी वर देख सैंडविच स्टॉल्स एंड एवरीथिंग, एंड यहाँ पे और भी आसपास काफी सारे स्टोर्स है ऑपोजिट टू ज़ारा, देयर इज फिला, एंड वहाँ पे एक लेन है वहाँ पे आपको मोबाइल के अच्छे कवर्स मिल जाते हैं। एक्चुअली मैं गई थी वहाँ पे बट फिर मैं कैप्चर करना भूल गई। एंड देन वहाँ पे स्केचर्स है, देन यू हैव प्यूमा स्टोर ओवर देयर, स्टोर है वेस्ट साइड है आगे, वी वर सपोज टू गो वेस्ट साइड ऑल्सो बट अगर हमें ज़ारा में नहीं मिलती चीज़ें, बट देन वी फाउंड एवरीथिंग इन ज़ारा सो वी डिड नॉट गो टू द वेस्ट साइड ओवर देयर। तो फिर वहाँ से हम निकले, फिर वो कॉर्नर पे हम रुक के वी हैड सैंडविचेस जो अगेन मैं कैप्चर करना भूल गई, एंड देन वी हैड दिस कुल्लर वाली चाय एंड बन मस्का। और ये है स्पेशल गर्मा गर्म बन मस्का और कुल्लड़ वाली चाय, एंड दिस इज आवर वे टू द होम। और फिर वहां से हम निकल के घर आ गए थे। एंड ये जाते जाते ये देखिए मुंबई की मोनो रेल तो इसकी पोस्ट की थी मैंने, यू गाइस रिमेम्बर, पूरी एम्प्टी एम्प्टी सी दिख रही है, कोई नहीं था, कहाँ से कोई घूमेगा अब जब कुछ कोई है ही नहीं पूरी तरह से खुला, तो ये एम्प्टी जा रही थी पूरी ऐसे। और तो देखिए तो कितना अच्छा लगता है ना आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड दिस इज आर फ्रीवे का टनल जो हम यहाँ से यू नो बॉम्बे जाते हैं चेंबूर से सीधा फ्रीवे टनल लेके, सो इट टेक्स अस डायरेक्टली टू बॉम्बे, तो ये शॉर्टकट है तो आई एम गोइंग बैक। तो यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ तो मुझे ऐसे लोनावला वाली फीलिंग आती है, तो मैं ऐसे जोर जोर से चिल्लाती हूँ, यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया है, अदरवाइज आप सुनते तो आप बोलते पागल है तो मैं हमेशा इस टनल में आके जोर जोर से चिल्लाती हूँ। एंड ये हम पहुंच गए थे फाइनली, एंड आप सोचोगे अभी आरव के पापा यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको, बिकॉज हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया था ऑन द वे। एक्चुअली आरव को गार्लिक ब्रेड खाना था, ही वॉज गेटिंग अ गार्लिक ब्रेड फॉर हिम, तो इसीलिए यहाँ पे अभी हम सिर्फ दो है और मेरी जो है बैटरी डाउन है। तो गाइज ये था एक शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग, तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आरव के बर्थडे वाले कि हमने क्या किया था। तो गाइज स्टे ट्यून फॉर दैट। तो गाइज मैं जल्दी मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, अंटिल देन मॉमी जे साइनिंग ऑफ, बाय बाय।